global advertiser for innovative outdoor solutions. मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदुस्तान को, और आप लोग तिल गुड़ खाइए और खिचड़ी खाइए बढ़िया बढ़िया, और पतंग उड़ाइए और खुशियां बांटिए और हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। 2018 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहे, परिवार के लिए अच्छे विचार रखें, अच्छे विचार के साथ सक्सेस मिलता है, हेल्दी रहें मोस्टली, स्मोकिंग ना करें आप लोग, टबैको से बचें, यही कहेंगे मकर संक्रांति। अच्छा, मुक्काबाज रिलीज हो गई है, इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अनुराग कश्यप जी को और विनीत को, विनीत सिंह को पूरा इसका श्रेय जाता है। विनीत सिंह ने कहानी सोची, मेहनत किया, अनुराग कश्यप ने इनको एग्जीक्यूट किया, हम और जिमी ने और जोया ने इसमें पूरी जितनी हमसे हम लोगों से ईमानदारी हो सकती है हम चारों ने फूका, विनीत ने, जोया ने, जिमी ने, हमने और अनुराग कश्यप ने एकदम इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सो इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। हमारे एडीज बहुत अच्छे थे, हमारे एडिटर बहुत अच्छे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक न्यूक्लियर डिवाइन एंड दैट गर्ल हु इज़ गिवन म्यूजिक, एंड सबसे द बिगेस्ट क्रेडिट गोज़ टू आनंद राय जी। आनंद राय जी ने इस प्रोड्यूस इस फिल्म को समझा और उसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हुए। सो द बैकअप वॉज सो गुड डैट वी हैड आनंद राय जी, एंड हमने उनके साथ तनु वेट्स मनु की थी, पहला भाग किया था उनका। सो उन्होंने इस फिल्म पे फेथ दिखाया, और अनुराग कश्यप का पूरा पैशन था बॉम्बे वेलवेट के बाद वाला, पूरा वो था कि नहीं, आप उनको लोग लिख दिए थे कि वो चले गए और अच्छी फिल्म नहीं बनाते हैं, गाली गलौज वाली फिल्म बनाते ही हैं, लव मेकिंग वाली या स्मूचेज वाली फिल्में बनाते हैं, वो सबको उसने ये इसमें ना गाली है ना लव मेकिंग है ना स्मूचेज है, एक गूंगी लड़की है उसका प्यार है। सो बहुत कमाल का थॉट इन्होंने उठाया। आपके किरदार को लेकर क्या स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मतलब क्या बातें हो रही है आपके किरदार को? बहुत तारीफ हो रही है मुझे, स्ट्रेंज, लोगों को लगा नहीं था कि रवि किशन कोच में, और हमको हमेशा दबंग या स्ट्रॉन्ग भूमिका में लोग देखना पसंद करते हैं, बट उन लोग भूल जाते हैं फैंस को कि तेरे नाम में मैं पंडित भी था, मैं बहुत सारे रूप धारण करता हूँ, बुलेट राजा में मैं औरत भी था आदमी भी था, 500 फिल्म अभी तक हम कर चुके हैं, अनगिनत रोल धारण करते हैं हम और अनगिनत रूप है मेरे। सो यस, सो एक सरप्राइज था कि मैंने कभी कोच नहीं किया था, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू अनुराग कश्यप। वो चाहते थे हमको भगवान दास मिश्रा का भी रोल देते जो जिमी करते हैं, जिमी ने किया, लेकिन वो ऐसा लगता हो कि रवि किशन शायद ये कर लेते, बट डूइंग अ कोच, और वो भी एक दलित कोच जो क्रश किया गया है या तो दबाया गया है, उसको बॉक्सर बनने नहीं दिया गया, उसके साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई है, और वो एक एक लड़के में अपना सपना पूरा करता है, उसके अंदर अपने सारे जुनून को, अपनी ट्रेनिंग को या अपने पैशन को डालता है, और एक ऑनेस्ट कोच की तरह उसको ट्रेन करता है, और चाहता है कि वो स्टेट लेवल पर जीत जाए, और यस, सो बहुत मज़ा आया। चाहता अगर थोड़ा सा हम लाउड या थोड़ा सा अलग करते तो ये थोड़ा ये नॉर्मल किरदार हो जाता, बट अगर आप सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं इस किरदार की, संजय कुमार की, सो या थोड़ा मेहनत, थोड़ा हम जो सोचे थे लाइफ में कि इस तरह से इसको करेंगे, वो बैंग ऑन वैसे ही बैठ गया, और उसका रिजल्ट आज हम चारों की बड़ी तारीफ हो रही है इस फिल्म में। बिग बॉस का फिनाले है आज, कितने बस आप लोगों का इंटरव्यू ख़त्म करूंगा पहले बिग बॉस देखने भागूंगा, बहुत एक्साइटेड हूं मैं, हर साल देखता हूं क्योंकि बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी को बदला है, बिग बॉस हैज चेंज्ड माय लाइफ। वो 3 महीने मैं वहां था उस घर में, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा वहीं बोले थे, और मैं बहुत खुश हूं कि आज ग्रैंड फिनाले है, और मैं देखने के लिए उसको भागूंगा। और कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और क्या लगता है कौन जीतने वाला? आज शिल्पा शिंदे जीतेंगे, 2000% शिल्पा शिंदे ही जीतेंगी, बिकॉज शिल्पा शिंदे का जैसा रूप आया है बाहर, पूरा देश उनको बहुत प्यार किया, एक हमको भी पहले शिल्पा शिंदे समझ में नहीं आती थी, जब उन्होंने अपने चलते शो को छोड़ा था तो मुझे लगा था ये पागल हो गई हैं, या तो उनको घमंड आ गया, ये कैसी कलाकार है, अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज वो जब वहाँ गई और उनके बाद वो कुछ वो घर में, अगर आप अभी आप लोग को हम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर उस घर में अगर आप जाते हैं
तो 15-20 दिन बुद्धि काम नहीं करती है, तो उनका भी 20-25 दिन वो पूरा जहर निकला अंदर से, और वो विकास गुप्ता पर निकला, वो फुल अटैक रहा, शब्दों का रहा, ये रहा। मुझे लगा ये कि वाई शी इज डूइंग ऑल दिस, शी इज़ अ मैड गर्ल। बट सडनली शी, वो 20 दिन के 25 दिन का जहर निकला, उसके बाद इतना सुंदर रूप उनका बाहर आया शिल्पा शिंदे का, जो कि देश को उनसे प्यार हो गया, और एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में, एक सुंदर सोल के रूप में बाहर आई, जहाँ पे पता चलता है कि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, उनके उनके उनको उनकी अच्छी परवरिश हुई है। एक कलाकार और एक सुंदर सोल का कॉम्बिनेशन बहुत कम दिखाई देता है, और वो एक महान कलाकार बनता है, एक महान इंसान बनता है। तो आज शिल्पा शिंदे निकलेंगी जीत के, तो बहुत पूरे देश में उनको बहुत सम्मान मिलेगा, और वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी। कल की सुबह उनके लिए बहुत बड़ी सुबह होगी, जो उनको बैन हो गई थी टेलीविज़न में से, उनको काम नहीं मिल रहा था, ईश्वर ने ऐसी पलटी मारी उसी को, उसी टेलीविज़न से वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो, मुझे नहीं लगता कि अब 5-6 साल या 8 साल 10 साल उनके पास कोई डेट्स फ्री रहेगी, सिनेमा से लेके टेलीविज़न के शोज़ और रिबन कटिंग और ओवरनाइट शिल बी फ्लडेड विद वर्क। बिकॉज यही मेरे साथ हुआ था, जब मैं बिग बॉस के घर से निकला था, तो हमको मणिरत्नम सर, श्याम बेनेगल जी की फिल्म लक, लगातार फिल्में, रिबन कटिंग शोज, ये रियलिटी शोज़, मेरे पास 4-5 साल तक समय नहीं था बिग बॉस के चलते, नहीं तो मैं बिहार यूपी तक एक सुपरस्टार के रूप में सीमित था। मैं बिहार जब वहाँ से निकले हम बिग बॉस से, तो पूरा देश हमको जान गया था। सो ये अंतर हुआ, मैं सुधर गया पूरा, मैं जितना बिगड़ेल था पहले, मैं अब वहाँ पे जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को जाना चाहिए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिनमें घमंड आ गया है, जो पागल हो चुके हैं, जो लाइफ में सवाल, जो लाइफ का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ, उन लोग को उधर जाना चाहिए, तो वो एकदम सही इलाज हो जाता है वो घर के अंदर। इसके अलावा मकर संक्रांति, आज सुबह में मैंने उड़ाया पतंग, लेकिन हवा नहीं थी तो पतंग उड़ी नहीं, अभी जाके, अभी हवा आ रही है, अभी जाके उड़ाऊंगा। तो पर मतलब यहाँ पे देखने मिलेगा हमें आपको? यहाँ पे मतलब मेरे घर पर उड़ाऊंगा, यहाँ नहीं उड़ाऊंगा। यहाँ तुम लोग लाए हो क्या? किधर है? हाँ लाओ, ले क्या पतंग है, क्या पतंग है, क्या वे पतंग ला, पतंग लाया, ले क्या पतंग ला, मांझा ला। अच्छा, तब तक क्वेश्चन आंसर खत्म कर लेते हैं सर। हाँ, तो जब दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब पतंग लाई हो? हाँ, सॉरी सर, दो बड़ी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर आती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मन मोटाव हो जाता है, तो अभी जो है पद्मावती और पैडमैन साथ में आ रही है, तो क्या रिएक्शन है आपका इस चीज पर? साथ में तो नहीं आ रही मुझे लगता है, बिकॉज शायद पैडमैन आगे जा रही है, साथ में तो नहीं। सारी भोजपुरी फिल्में क्लैश होती कभी कभी, एक समय ऐसा था मैं 17 फिल्में एक साथ करता था, तो सामने ये थिएटर में भी मेरी फिल्म है, वो थिएटर में भी मेरी फिल्म है, ये थिएटर में भी, तो सब तीनों को नुकसान होता है, सो इंडस्ट्री को नुकसान होता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को भी होता है, स्टार्स को भी होता है, डायरेक्टर को भी होता है। क्लैश ऑफ बिग फिल्म्स आर ऑलवेज अ लॉस टू 50-50% लॉस टू एवरीवन, वेदर इट्स अ ह्यूज फिल्म, डेंट तो सब लोग मारते हैं, क्योंकि कोई थिएटर नियर बाय ये लोग उसमें घुस जाते हैं, कोई सामने है, कोई कंफर्टेबल है, बट इट्स अ डेंट, इट्स लाइक अ लॉस फॉर इंडस्ट्री, लॉस फॉर एवरीबॉडी, सो फाइटिंग एंड क्लैशिंग टुगेदर इज इट्स सिंपली लॉस। तो आने वाले समय में ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे? मोहल्ला 80 हमारी एक फिल्म बैन थी, बहुत खुश हूँ आप लोगों के सामने ये न्यूज़ में आके बोल भी रहा हूँ, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल रोल आई हैव, और मुझे उस ऐसे रोल में लोगों ने नहीं देखा, सो वो भी फैंस के लिए मेरे बहुत अच्छा होगा। और काशीनाथ सिंह जी की उपन्यास पे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने जी ने इसको डायरेक्ट किया है, सनी देओल सर उसमें हैं, मैं हूँ, और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, सारे लोग इसमें, बहुत मज़ेदार फिल्म है, और वीडियो पर लीक हो गई थी लेकिन ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, सिर्फ बनारस के साइड पर लोगों ने देखी, बट इसको हिंदुस्तान देखेगा बहुत एंजॉय करेगा, बनारस का रियल साइड देखने मिलेगा। थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग
again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.